सो गाइस आज हम लोग का पूरा ग्रुप ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ग्रुप यहाँ पे आया है दुर्गापुर। क्यों आया है सोल से सब को देखिए क्यों है हम लोग टीम नहीं है पूरा टीम सब को यहाँ पे सर के आ रहा है सर के आगे सर के अच्छा सर के पीछे सॉरी सर के आ रहा है सर के आ रहा है वहाँ पीछे। अच्छा प्रीतम भाई बताओ हम लोग आज यहाँ पे क्यों है। हम लोग यहाँ पे पानी में कूदने जा रहे हैं। श्योर नहीं कूदे तो तुमको ढके दूंगा। सो गाइस नाउ द क्वेश्चन इज मैं यहाँ पे आज क्यों आया हूँ। सो बेसिकली आनंद अम्यूजमेंट पार्क में हो रहा है राजस्थानी मेला। यस लुक एट दिस 6th January टू 14th January। तो जिसको जिसको ये राजस्थानी मेला लाइक एक्सपीरियंस करना है सो मेक श्योर यू कम विद इन दिस डेट। बाकी वीडियो तो आज ही अपलोड हो जाएगा। Let's go inside and check out like what's new in this special Rajasthani Mela. Aaj Kumar ji padhao re. सो अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा ये राजस्थानी टोपी जो कि आप लोग परचेज कर सकते हो। एंड आज पूरा आनंद अम्यूजमेंट पार्क राजस्थानी थीम में सजा हुआ है। नेक्स्ट और भी आप जब आगे जाते हो तो यू कैन सी दिस स्टोर वेयर यू कैन बाय अ वेरियस नंबर ऑफ राजस्थानी फुटवेयर जो अलग अलग डिजाइंस में सब अवेलेबल है। सो दाहिना तरफ अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे है टॉय ट्रेन स्टेशन यानी कि आनंद अम्यूजमेंट पार्क जंक्शन। अब हम लोग चढ़ेंगे टॉय ट्रेन में एंड विल टेक अ स्ट्रोल सॉरी गलत इंग्लिश विल टेक अ राउंड अक्रॉस दिस पार्क। लेट्स गो। तो ये बैठ गए हम लोग टॉय ट्रेन में जहाँ मैं और मेरे साथ साथ मेरा पूरा यूट्यूबर का ग्रुप एक साथ इंजॉय करते करते गपशप मारते मारते पूरा पार्क का राउंड लगा रहे थे और यहाँ हार्ड कोर इंजॉयमेंट हो रहा था। वो देखो यार कैमल एंड हॉर्सेस वाओ। और साथ साथ इसको कैसे भूल सकते हैं समर वेकेशन में तो ये मेरी जान है यार। सच में दिस इज माय फेवरेट स्लाइड इन दिस होल वाटर पार्क। मजा आ जाता है एकदम पूरा। अगर किसी ने ट्राई ना किया हो तो ट्राई जरूर करना। एंड साथ साथ इस ये हो गया हमारा बोटिंग एरिया। सो चलो देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो बोटिंग भी किया जाएगा। लेट्स गो। सो जस्ट आफ्टर द टॉय ट्रेन राइड आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। दिस इज द बबल हाउस। मैन अभी सोच रहा हूँ काश अगर मैं छोटा होता मैं इसमें जरूर जाता। ब्यूटीफुल प्लेस मैन। और एक बार देख लो कितना जबरदस्त है। बबल हाउस से नीचे आते ही दिस पाथवे एंड ऊपर का गार्डन इज सेपरेटेड बाय दीज ब्यूटीफुल बंच ऑफ फ्लावर्स। देयर वर मल्टीपल फ्लावर्स एंड इन पर्सन जो जबरदस्त लग रहा था ना ट्रस्ट मी आई थिंक यू गाइस मस्ट विजिट हियर। जबरदस्त है। एंड ये रहा मेरे पीछे एक फोटो पॉइंट जहाँ पे आप लोग ब्यूटीफुल पिक्चरस फोटो ले सकते हो। मैंने भी लिया देखो जरा गाइस वो सेल्फी पॉइंट से आप निकल के आप जबरदस्त परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सकते हैं यहां पे बैठ के। वो वाला परफॉर्मेंस देखने के बाद ये वाला देखने में और भी मजा आया। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बचपन में एक दो बार देखा था अब बरसों बाद लाइक ऑलमोस्ट 10-15 साल बाद देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक नॉस्टैल्जिक वाला फीलिंग जो रहता है वो दोबारा से राइज हो गया। What an experience man, something really new and amazing. बहुत अच्छा बहुत सही है। And I must say, must visit भाई, must visit. And बाकी यहाँ है मसाला चौपाटी
where you can have some foods. And ये शिव भैया, हेलो। यहाँ पे बैठ के आप लोग पूरा डाइनिंग कर सकते हो। टोटल जो है अलग अलग फूड काउंटर्स है, I'll show you in a second. So you can have different multiple cuisines from Chinese, South Indian, Rajasthani, North Indian, Italian, वो भी है and ice cream वगैरह भी है. They have separate stalls for everything. You guys can experience all of this in this particular Rajasthani Mela. भाई must visit experience है. लग ही नहीं रहा कि आनंद का amusement park है. This is so different man. Such a different and mesmerizing different experience. Very amazing. And here goes some games. ये रहा game counter. And शायद ये surprise में आ रहा है. So guys, जो games counter है वहाँ पे भैया लोग will be explaining you like यहाँ पे क्या चल रहा है exactly. तो बताओ भैया, यहाँ पर आप आ सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारा वैरायटीज का गेम है. हर एज ग्रुप के लिए गेम्स अवेलेबल है. यहाँ से समझिए ये शट द बॉक्स गेम है, ये सेवन अप सेवन डाउन गेम है, ये बिलून का पूरा के इसको बैलेंस ऐसे ही एकदम सेम तरीके से करना है, ये कार्ड्स का बहुत फनी गेम है. इस बार हमने लाया है कि आपको यहाँ पर ये सब फीडिंग करवाना है. सबको गिराना है उसमें. yes. अच्छा जी, आपको प्राइस सब में डबल का मनी है. आप आके अपने पैसे यहाँ डबल करके जा सकते हैं. अरे वाह, बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट्स भी है यहाँ पर. बाकी तो मैं देख रहा हूँ, गिफ्ट्स भी बहुत जबरदस्त है, लाइक बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फॉर एवरीवन. ऑल एज ग्रुप गेम्स आर अवेलेबल, यू कैन कम एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एक नंबर, एक नंबर, वेरी गुड. थैंक यू. छाव में बैठ के आराम से कुछ देर वाइबिंग करने के बाद मैं आ गया ये भैया के पास, जो अपने हाथों से हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे थे. ये भी मेरे मम्मी के मामा घर में मैं देखा था, वो भी बरसों साल पहले. फिर से बोला ना, यादें दोबारा से ताज़ा हो गई. मज़ा आया यार. सो देर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑप्शन विच यू कैन सी हियर. मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है, आना ज़रूर है ये. तो गाइस, यहाँ आप लोग डायरेक्ट मेड राजस्थानी चूड़िया भी ऑफ कर सकते हो. अब ये देख के ये मत बोलना कि बंदा स्टाइल मार रहा है. नहीं भाई, मैं सिर्फ सोच रहा था कि अगर अभी मैं जनवरी में नहीं आया होता तो मैं भी फटाक से ड्रेस चेंज करके पानी में कूद जाता. एंड ये भी सोच रहा था कि इसके बाद कहाँ जाना है और कौन सा राइड करना है. नाउ आई स्टार्टेड वाइबिंग. आप बताओ, यहाँ पे आप पहले आनंद में आए हो, दुर्गापुर में सुख माहौल कैसा है अभी का? बहुत यूनिक. मतलब मैं भी यहाँ पे बोला कि अच्छा, व्हाट डू यू रेकमेंड अवर व्यूअर्स कि आना चाहिए कि नहीं, जो आसनसोल दुर्गापुर से है. जेन्युइन रिव्यू है ना. नहीं गए कभी, वो मतलब यहाँ पे अगर आ जाए तो मतलब बहुत ज्यादा उनको अच्छा फील होगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है. एक होल डिफरेंट एक्सपीरियंस है. अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे इंडिया का एक्चुअली कल्चर रिफ्लेक्ट करता है. और भैया आपका क्या फीडबैक है, आप भी बताओ. लाइक सोचे थे कि जनवरी में कभी ऐसा माहौल दिख सकता है, पूरा रंगीन राजस्थानी माहौल? बहुत सही. सो क्या बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को? बिल्कुल जी, मोटिवेशन मिलेगा. चलिए, थैंक यू, नाइस टू मीट यू. सो ये लोग बैठ के यहाँ पे पूरा चिल मार रहे हैं, देख रहे हो, हुक्का हुक्का पी रहे हैं, पूरा हुक्का पी रहे हैं भैया. नहीं भाई, कोई नहीं पी रहा है. इमा, मेरे को लगा खाली है भाई, इसमें
ये ओरिजिनल है, मेरे को लगा शोपीस है। अरे यार सच में मेरे को लगा जो सेटअप है वो ऐसे शोपीस जैसा बना हुआ है, फिर मैं अंदर ऐसे दिखाने के लिए दिखाया कि कुछ है नहीं, तो देख रहा हूँ एक्चुअल में चारकोल डाला है अंदर। तो मैडम अपना ना कोथा थे क्या, मैंने फ्रॉम दुर्गा, अच्छा दुर्गापुर है, तो दुर्गापुर थे तो दुर्गापुर बासिंदा हुए, तो ये अनेक बार ही इससे आशा करी, তো এইবার এইটা তো ফার্স্ট টাইম, মানে এই যে এনভায়রনমেন্ট আছে কেমন লাগছে, একটা অনেস্ট ফিডব্যাক। খুব ভালো লাগছে, নতুনত্ব একটা, আগে কখনো দেখিনি, এইটা প্রথম এইবারে দেখলাম। আর দুর্গাপুরে যারা আছে তারা তো জানতে পারবে, বাট বাকি আমাদের আসানসোল সাইড থেকে যারা দেখছে তাদেরকে একটা ছোট মেসেজ দিয়ে দাও। খুব ভালো লাগবে, এলে খুব এনজয় করবে। সো গাইস জাস্ট পারফরম্যান্স কে বগল মে ম্যাজিক ওয়ালা কাউন্টার ভি হ্যায় লেকিন ইসকা ভিডিও দিখানা ঠিক নেই হোগা, ম্যাজিক দেখনা হ্যায় তো ভাইয়া কে পাস পহলে সে একদম ইন পার্সন পৌঁছা হ্যায় না ভাইয়া। So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल बोटिंग के लिए, and here goes the boat, boat for boating, 80 rupees. फिलहाल अभी तो सॉन्ग आ रहा, शायद वाटर पार्क बंद रहेगा कुछ दिन के लिए, like till this राजस्थानी मेला ends, बाकी तब तक चलते हैं बोटिंग के लिए। अपने फेलो मेट्स के साथ एंजॉय करने के बाद वाटर पार्क के पीछे से हम लोग आ गए यहाँ पे बोटिंग एनक्लोजर में, जहाँ आके पता चला कि बोटिंग जब किया था गोप्रो लेके शूट किया था, शूट हुआ ही नहीं। सो गाइस हियर वी गो टुवर्ड्स द बोटिंग एरिया, हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, हमारे बोट आने वाला है एंड फिर हम लोग सब एंजॉय करेंगे। बाय द वे हम लोग है कितने जन, 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट दो बोट हम लोगों का लगेगा शायद, क्या लगेगा, दो तो लगेगा। चलो गाइस लेट्स गो। सो बोट से उतरने के बाद और एक अफसोस ने मुझे दोबारा से हिट किया, ये देखो वाटर बॉल। तो वाटर में तो मैं नहीं किया था, बट ये बॉल में, मैं जब 2011 में कश्मीर गया था उस टाइम स्नो के ऊपर, लाइक गुलमर्ग में प्रॉपर स्नो के ऊपर मैं ऐसे ही एक बॉल के अंदर चढ़ा था एंड उसके ऊपर मैं जा रहा था, तो इससे दो डबल साइज का बॉल था, तो लाइक मज़ा आ गया यार, बचपन का याद दोबारा से ताज़ा हो गया। सो मैं सोच रहा था ये अगर और बड़ा बॉल कर देता, अगर ऐसा कोई होता कि एडल्ट्स भी जहाँ पे जा पाए तो कितना फन होता। कि क्यूट ना, ये बजरंगी भाई जाना जो ये मुन्या सेम मुन्नी देखते हैं। वेव पूल के पास ऐसे कल्चरल शोज एंड ड्रामास होते हैं जिसका टाइमिंग आपको अंदर घुस के ही देखने मिल जाएगा, एंड ये भी आप लोग एंजॉय कर सकते हो। और गाइस रियर साइड में पार्टी चल रहा है पूरा एकदम हार्ड। बचपन के कार्टून्स में जो एस्ट्रोलॉजर आता था छोटा भीम वगैरह में, वैसा एस्ट्रोलॉजर मुझे यहाँ पे भी दिख गया, जो तोता से वो क्या बोलते हैं उसको लक डिसाइड करता है, मजा आया देखने में। सो इसी तरह से हमारा आज का ये सुहाना दिन कंप्लीट होता है, एंड दिस इज मी ऑन माय वे बैक टू होम। थोड़ा मोटर ब्लॉगिंग भी कर लिया एंड स्पेशली नाइट फुटेज का टेस्टिंग कर रहा था जानबूझकर मैं। सो चलो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो, और अगर नए हो तो एक बार चैनल से राउंड मार के आओ, और अगर पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय।